तो गाइस जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखता है, मुझे फॉलो करता है, उसको पता होगा मैंने पिछले एक वीडियो में इन्फिनिक्स जीरो 45G के बारे में बताया था। फोन का डिजाइन कैसा होगा, फोन में क्या कुछ फीचर्स मिलेगा और फोन का प्राइस वगैरह कितना हो सकता है, सब कुछ बता के रखा है। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि भाई ये फोन बहुत ही जल्द आपको मार्केट में मिलने वाला है। और देखो फाइनली लॉन्च डेट 100% कन्फर्म हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस फोन का लॉन्च डेट तो बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कोई नया फोन लेने का प्लानिंग कर रहे हो, चाहे सेल में या फिर चाहे कैसे भी ऑफलाइन मार्केट में भी लेना चाहते, फिर भी मैं कहूंगा भाई इस वीडियो को आप जरूर से एंड तक देखो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 रीजन बताऊंगा जिसके लिए आपको इन्फिनिक्स जीरो 45G का वेट मस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो देखो भाई पिछले वीडियो में मैंने इस फोन का 3 कलर वेरिएंट दिखाया था, जहां पर एक व्हाइट था, एक ब्लैक था और एक पर्पल या फिर पिंक टाइप का कलर था। और डिजाइन कुछ इस तरीके का मैंने दिखा के रखा है, जहां पर राउंड सर्कल में कैमरा मॉड्यूल और कैमरा मॉड्यूल के बाहर आपको एलईडी लाइट, बाकी ड्यूल टोन कलर और जीरो का ब्रांडिंग मिलेगा। और फोन कर्व भी रहने वाला है दोनों साइड से, तो पकड़ने में अच्छा लगेगा, पतला रहेगा। लेकिन यहाँ पर फ्रंट में कर्व डिस्प्ले मिलेगा पंच होल के साथ, तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता कर रखा है। लेकिन यहाँ पर और एक कलर निकल के आया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हल्का सा इसका या फिर ग्रीन टाइप, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, इस तरीके से एक और कलर निकल के आया है जो कि शायद आपको मार्केट में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर डिजाइन आपको कैसा लगा कॉमेंट करना। लेकिन अगर मैं डिजाइन के बारे में बताऊं तो देखो यहाँ पर पूरा डिजाइन को चेंज कर दिया है। 030 का डिजाइन आपने देखा था भाई, एक साइड में लेदर था और कैमरा मिडल वगैरह सर्कल टाइप में देखने को मिला था, बट इस बार राउंड सर्कल में यहां पर कैमरा मिडल कर दिया है और कलर वगैरह भी चेंज कर दिया है। तो यहां पर नया डिजाइन दे रहा है, बाकी आपको ये डिजाइन कैसा लगा वो कमेंट करना। अब चलिए यहां पर जो टॉप 5 रीजन है सबसे पहले वो बता देता हूं, उसके बाद लॉन्च डेट बताऊंगा। तो पहला रीजन गाइस इस फोन का वेट करने के लिए ये है कि भाई अगर आप कैमरा के लिए फोन ढूंढ रहे हो, चाहे वीडियोग्राफी चाहे फोटोग्राफी दोनों के लिए, जिस बजट में ये फोन लॉन्च होने वाला है मुझे लगता है काफी तगड़ा आपको कैमरा निकाल के दे सकता है। क्योंकि यहां पर जो सेंसर वगैरह दिया जा रहा है ना, बैक साइड में आप देख ही सकते हो भाई, 108 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिलेगा, जहां पर OIS आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं ये सोनी का सेंसर होता है या फिर कौन सा सेंसर होता है। लेकिन यहां पर जो सेकेंडरी सेंसर होगा वो 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जा रहा है। अब देखो जो लोग अल्ट्रा वाइड फोटो वगैरह खींचना चाहता है, वीडियोग्राफी करना चाहता है, उसके लिए यहां पर काफी अच्छा तगड़ा सेंसर दिया जा रहा है। और यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है पता है, वीडियोग्राफी के लिए 4K 60fps का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। एंड लास्ट वाला सेंसर 2 मेगापिक्सल का है, वो उतना काम का नहीं है। लेकिन यहां पर जो सेल्फी कैमरा दिया जा रहा है भाई, वो भी काफी तगड़ा है। देखो नॉर्मली हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ज्यादातर यूज ना फ्रंट कैमरा से करता है। तो यहां पर दोस्तों 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको मिलेगा, मतलब सेल्फी में जो सेंसर दिया जाएगा। अब देखते हैं कौन सा सेंसर होता है। लेकिन यहां पर आपको OIS मिल जाएगा, जी हां, सेल्फी में OIS, जो कि नॉर्मली हमें नहीं मिलता है। और एक प्लस पॉइंट है भाई, 60fps का वीडियो रिकॉर्ड आप फ्रंट से कर सकते हो। तो यहां पर वीडियोग्राफी के लिए ये फोन काफी तगड़ा हो सकता है। बाकी जो सेकंड रीजन है गाइस इस फोन का वेट करने का, वो है भाई प्रोसेसर। देखो जो लोग कैमरा के लिए फोन चाहता है उसके लिए तो अच्छा होने ही वाला है, लेकिन जो लोग कैमरा के साथ गेमिंग यूजर है, मतलब गेमिंग भी करना चाहते हैं तगड़ा वाला, या फिर कोई मतलब गेमिंग फोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। क्योंकि यहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट चिपसेट मिल जाएगा, जो कि 9 लाख प्लस अंतुतु स्कोर निकाल देता है। और ये चिपसेट GT20 Pro में आपने देखा था भाई, काफी पावरफुल चिपसेट है। अगर आप BGMI खेलते हो तो भाई तगड़ा वाला खेल सकते हो, मतलब 90fps का सपोर्ट यहां पर मिल सकता है, मतलब गेमिंग यूजर के लिए भी ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। तो जो लोग कैमरा या फिर गेमिंग दोनों यूजर इस फोन के लिए वेट कर सकते हैं। अब देखो थर्ड रीजन जो है दोस्तों, यहां पर डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले जो मिलेगा वो 6.78 इंच का मिलेगा, जो कि 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले होगा। और ये डिस्प्ले भाई एमोलेड होगा, ये तो आपको पता ही होगा, बट प्लस पॉइंट ये है 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा। और साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। बाकी देखो यहां पर HDR का सपोर्ट मिल जाएगा, 4K वीडियो चला सकते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह आराम से चलेगा HD में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब डिस्प्ले काफी बढ़िया यहां पर दिया जा रहा है। अब देखो फोर्थ रीजन जो है इस फोन का वेट करने का, वो है भाई इस फोन का बैटरी रिक्वायरमेंट। देखो यहां पर प्रोसेसर काफी अच्छा दिया जा रहा है, डिस्प्ले आपको एमोलेड दिया जा रहा है, जिसके वजह से बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि 5000mAh का बैटरी दिया जाएगा। और साथ में एक और प्लस पॉइंट है, यहां पर ना एक अलग सा केस दिया जाएगा दोस्तों, जैसे कि आपने नोट 40 सीरीज में देखा था, उसको यूज करके इस फोन को आप वायरलेस चार्ज कर सकते हो। 15W का आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यहां पर आपको 45W का चार्जर मिलेगा, मतलब जो फर्स्ट चार्जिंग होगा फोन में, वो अडेप्टर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन जो 5 नंबर जो रीजन है गाइस इस फोन के लिए वेट करने का, वो ये है कि यहां पर ना आउट ऑफ द बॉक्स तो एंड्रॉइड 14 मिलेगा, जहां पर आपको
आपको मतलब XOS देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर 2 साल का अपडेट दिया जाएगा। और इन्फिनिक्स की तरफ से जितना न्यूज आ रहा है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर एंड्रॉइड 15 भी आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर लेटेस्ट एंड्रॉइड UI आपको मिल सकता है। बाकी देखो बहुत सारा और भी फीचर्स आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर NFC मिल जाएगा, साथ में आपको ड्यूल स्पीकर मिलेगा JBL का सपोर्ट के साथ, एयर ब्लास्टर मिल जाएगा, IP54 का रेटिंग मिलेगा, 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज मिलेगा। तो काफी अच्छा फीचर्स यहाँ पर इन्फिनिक्स प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन जो लॉन्च डेट निकल के आया है दोस्तों, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 29 तारीख मतलब इसी महीने का एंड में ये फोन ग्लोबली लॉन्च हो रहा है, मतलब आउट ऑफ इंडिया में अभी लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद शायद नेक्स्ट मंथ ये इंडिया पे भी आएगा। अब देखते हैं ये फोन ग्लोबली किस बजट में किस प्राइस में लॉन्च होता है, उसके बाद हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में ये कितना प्राइस में आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 040 सीरीज लॉन्च हो रहा है, तो यहाँ पर 2 वेरिएंट आएगा, एक 5G होगा और एक 4G होगा। लेकिन टेंशन मत लो, इंडिया पे शायद आपको 5G ही देखने को मिलेगा, 4G शायद नहीं आएगा, वो आउट ऑफ इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो ये था कुछ अपडेट इन्फिनिक्स 040 5G के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा इस चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, उससे पहले आप चाहो तो ये वाला वीडियो देख लो, या फिर चाहो तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। टेक केयर।